गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम निकिता बुलचंदानी, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एट तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल. सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आर यू ऑल फाइन? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो टुडे इज अवर टॉपिक इज रीडिंग स्किल्स. आज हम स्टोरी रीड करेंगे. आप भी मेरे साथ करोगे ना स्टोरी रीड? यस, वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, रीडिंग स्किल्स. द एंट एंड द ग्रास हॉपर. देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, एंट एंड ग्रास ऑपर. कौन है? एंट एंड ग्रास ऑपर. तो ये पूरी स्टोरी किसके बेस है? एंट और ग्रास ऑपर के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. इन अ फील्ड वन समर्स डे अ ग्रास ऑपर वॉज हॉपिंग अबाउट चिरपिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट. मतलब एक दिन समर सीजन में अब ये ग्रास ऑपर वो आराम से मतलब बैठा था, सॉन्ग्स गा रहा था. उसको मीन्स जो मजा आ रहा था वो कर रहा था, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मस्त मजे कर रहा था. एन एंट पास्ड बाय बियरिंग अलोंग विथ ग्रेट इफर्ट एंड ईयर ऑफ कॉर्न ही वॉज टेकिंग टू द नेस्ट. अब मीन्स ग्रास ऑपर क्या कर रहा था? वो तो आराम कर रहा था, यहाँ से वहाँ हॉप कर रहा था, जंप कर रहा था, सॉन्ग्स गा रहा था. पर एंट क्या कर रहा था? वो बहुत ही हार्डवर्क कर रहा था. वो कॉर्न्स कलेक्ट कर करके अपने घर पे लेके जा रहा था. व्हाई नॉट कम एंड चैट विथ मी, सेड द ग्रास हॉपर. फिर जैसे ही एंट ने ग्रास हॉपर को देखा, ग्रास हॉपर ने एंट को देखा, तो ग्रास हॉपर ने क्या बोला? क्या कर रहे हो? चलो हम दोनों मिलके बातें करते हैं, कम जॉइन मी. इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉइलिंग अवे आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर. यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है मैं अपने लिए विंटर के लिए खाना कलेक्ट कर रहा हूँ. तुम्हें क्या है? तुम तो बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, पर नहीं, मुझे अपने लिए फूड कलेक्ट करना है जो मैं विंटर सीजन में आराम से खा सकूँ. एंड रिकमेंड यू टू डू द सेम. मतलब एंट ने क्या बोला? यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है कि मैं अपने लिए फूड कलेक्ट करूँ और जो मुझे विंटर में काम आएगा. और तुम भी यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो, मजाक मस्ती छोड़ो, और तुम भी अपने लिए क्या करो? फूड कलेक्ट करो जो तुम्हें भी विंटर में काम आएगा. वाई बॉदर अबाउट विंटर, सेट द ग्रास हॉपर. मीन्स विंटर के लिए इतना क्यों सोचें? जब विंटर आएगी तब हम देख लेंगे. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट. अभी तो हमारे पास बहुत सारा फूड है, तो अभी तो उसको खा के मस्त आराम करें. ओके, सो लेट्स रीड दिस मच. In a field one summer's day, a grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart's content. Students, आपको मेरे साथ read करते जाना है, okay? An ant passed by, bearing along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. Why not come and chat with me, said the grasshopper. Instead of toiling and moiling away, I am helping to lay up food for the winter, said the ant. And recommend you to do the same. Why bother about winter? Said the grasshopper. We have got plenty of food at present. मतलब इसमें इतने में क्या हुआ? आराम से ग्रासहॉपर बैठा था, एंट वहां से आई और उसने बोला कि चलो चलो हम भी साथ में काम करते हैं. ग्रासहॉपर ने बोला नहीं, अभी जितना है उसको एंजॉय करना चाहिए. ओके, बट द एंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल. मींस ग्रासहॉपर ने उसको क्या बोला कि क्या फ्यूचर के बारे में सोचना, अभी एंजॉय करो ना. वो उसने खुद तो अपना काम नहीं किया और एंट को भी बोला कि आप भी मत करो, पर एंट ने उसकी बातें नहीं सुनी. वो अपना वर्क कंटिन्यू करते रही. वो अपने लिए विंटर में जो फूड कलेक्ट कर रही थी वो कंटिन्यू ही कर रही थी. व्हेन द विंटर केम द ग्रास हॉपर फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर. अब जैसे ही विंटर सीजन आया तो ग्रास हॉपर को क्या लगा कि वो तो भूख के मारे मर ही जाएगा. क्यों? क्योंकि पूरे समर सीजन में तो उसने एंजॉय किया था, उसने फूड तो कलेक्ट किया ही नहीं था. तो जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट हुई, उसको जब भूख लगी तो वो सोचने लगा कि अब तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरे पास खाना ही नहीं है. व्हाइल इट सॉ द एंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे कॉर्न एंड ग्रेन फ्रॉम द स्टोर्स. फिर उसने देखा कि एंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रोज
कॉर्न एंड ग्रेन कहाँ से, स्टोर्स में से, दे हैड कलेक्टेड इन द समर, जो उन्होंने ऑलरेडी समर में संभाल के रखा था, कलेक्ट करके रखा था, उनके पास बहुत सारा फूड है. देन द ग्रास हॉपर न्यू, तब ग्रास हॉपर को समझ में आया कि अगर उसने भी समर सीजन में अपने लिए फूड कलेक्ट कर लिया होता तो आज उसको भूख नहीं लगती, मींस भूख के मारे वो मरता नहीं. ओके, तो इसका मॉरल क्या है स्टूडेंट्स, वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो. जैसे कि एक स्मॉल लेते हैं मॉरल, आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं, आप क्या बोलते हैं, अभी तो 1 वीक पढ़ा है, अभी तो 1 मंथ पढ़ा है, कल पढ़ाई करेंगे, परसों पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, पर नहीं, ऐसे ऐसे करके एग्जाम्स के डेज नज़दीक आते हैं. पर आपको क्या करना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले आपको अच्छी तरह से उसे रीड करना चाहिए. आज आप रीड करोगे वही आपको फ्यूचर में काम आएगा. तो ये पूरी स्टोरी आपको घर पे अच्छी तरह से रीड करनी है, पॉइंट आउट करके जैसे मैंने किया है, ताकि आपको एक एक वर्ड प्रॉपरली पता चले. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.